नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नेताजी हाजिर हो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कोरोना की लहर धीरे धीरे थमती जा रही है। फिलहाल में जो गुड न्यूज़ आ रही है, 5200 के तकरीबन कुछ पॉजिटिव केसेस मिले हैं, और एक तरह से ये खुशी की बात है कि प्रदेश में कोरोना को थामते जा रहे हैं। लेकिन अभी इसकी तीसरी और चौथी लहर बाकी है। लेकिन इसी बीच प्रदेश के खरगोन जिले में मुद्दा उठा है मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर। इसको लेकर के स्थानीय जो जनता है उसका ये कहना है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना जिला मुख्यालय खरगोन पर ही हो, लेकिन तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजयलक्ष्मी साधो इस मेडिकल कॉलेज को मंडलेश्वर के लिए ले गई थी। वर्तमान सरकार शिवराज सिंह सरकार के बजट में इस मेडिकल कॉलेज के लिए कोई प्रावधान नहीं रहा, लेकिन जो कोरोना की परिस्थितियाँ बनी उन परिस्थितियों ने खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा गर्मा दिया है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन जी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश महासचिव परशुराम डंडीर जी। हम उनका भी स्वागत करते हैं। परशुराम जी, इस समय जो खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर जो आपस में द्वंद्व मचा हुआ एक तरह से कि उसकी स्थापना जिला मुख्यालय पर हो, कोई मंडलेश्वर महेश्वर क्षेत्र की जनता मांग कर रही है कि हमारे क्षेत्र में हो, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मुद्दा जो गरमाया, एक गलत फहमी की बात हुई कि बड़वानी ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद कि उन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया कि खरगोन का मेडिकल कॉलेज तो खरगोन में ही है, हमारा बड़वानी के लिए हमने अलग से मांग की है। तो उनको एक तो बधाई इस बात के लिए कि उन्होंने अपनी अलग से मांग की और खरगोन का मेडिकल कॉलेज खरगोन में ही है, ये तो सुनिश्चित हो गया। अब रहा सवाल कि खरगोन और महेश्वर, वो महेश्वर की स्थिति यह है कि महेश्वर से अगर इंदौर आदमी जाता है तो बड़ी मुश्किल से 60 किलोमीटर है, और खरगोन जिले का मुख्यालय होने के बाद जिला मुख्यालय है, और इन जनरल जो शासकीय आदेश हैं वो आदेश तो स्पष्ट करता है कि जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज खुले। अब दूसरा बिंदु आता है कि ये जो हमारा दक्षिण भाग में पहाड़ी क्षेत्र है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, यहाँ पूरा समूचा आदिवासी लोग रहते हैं, और ये करीब करीब 90 से 100 किलोमीटर तक खरगोन से दूरी बनाए हुए है, दूरी तक के गांव हैं। अगर खरगोन में कॉलेज खुलता है तो वो 100 किलोमीटर वालों को तो ये पास पड़ेगा, पर महेश्वर अगर खुलता है तो उनको 150 से 200 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो जिला मुख्यालय पर एक सुविधा और भी है हमारे पास कि हमारे पास जो अस्पताल है वो 300 बेड का है खरगोन में। ये खरगोन जिले का जो जिला अस्पताल है, ये भी हमारे समय में जब हम बड़वानी और खरगोन इकट्ठा था, जब ये बड़वानी जिले में था तो उस समय के लोगों में ना मालूम क्या बात थी कि जिला मुख्यालय खरगोन, अस्पताल बड़वानी, जिला अस्पताल बड़वानी, जिला मुख्यालय खरगोन, जिला न्यायालय मंडलेश्वर। तो ये परिस्थितियाँ उस समय की हैं, शायद उस समय वो लड़ने वाले लोग नहीं थे, पर आज जुझारू लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं। न भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस पार्टी, सब ने पार्टी को अलग हटकाकर, सभी दल, सभी प्रकार की राजनीतिक पार्टियां, सभी प्रकार के संगठन एक मत से इस बात के लिए सहमत हैं कि खरगोन में ही मेडिकल कॉलेज खुले, और इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो गांव-गांव से लोग आने को तैयार हैं, चूँकि कोरोना चल रहा है और कोरोना के कारण लोग अभी चुप्पी साध के बैठे हैं, पर एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा ये। इसलिए खरगोन का मेडिकल कॉलेज खरगोन में ही खुले, जिला मुख्यालय पर ही खुले, ये हमारी सबकी मंशा है। परशुराम जी, आपने जो अभी बताया कि सांसद स्पष्ट कर चुके हैं कि बड़वानी के लिए वो पृथक से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार
कि जो जो वादे थे उन्होंने जो कहा था कि इसे एक संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की वो सुविधा देंगे। इस स्थिति में बड़वानी में सांसद होने के बावजूद वो परिस्थितियों से वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी वो बड़वानी में प्रत्यक्ष मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, तो कहाँ तक संभव मानते हैं आप इन चीज़ों को लेकर? अब ये तो उनके ऊपर, उनकी शक्ति के ऊपर है। अगर वो शक्तिशाली हैं राजनीतिक रूप से तो दो मेडिकल कॉलेज भी आ सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में। तो महाजन साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों अभी इसी कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष आए थे भाजपा के, उन्होंने ये स्पष्ट भी किया कि जिला मुख्यालय पर ही खुलेगा, लेकिन सांसद महोदय भी अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं बोल पाए हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आप पूर्व विधायक हैं, जमीन से जुड़े हैं, विधानसभा क्षेत्र की शक्तियों को आप जानते हैं, क्या उन्होंने जो कहा खरगोन जिले में खुलेगा और जो जिला पूर्व जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि खरगोन जिला मुख्यालय पर ही खुलेगा, तो भाजपा संगठन और भाजपा सत्ता के बीच कहीं ना कहीं परस्पर विरोधाभासी बयान क्यों जारी हो रहे हैं? नहीं, आप बात को पूरी गहराई से समझ नहीं रहे हैं, मेरा ऐसा मत है, क्योंकि जो लाल किले के प्राची से जो पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की उसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। इस हिसाब से उन्होंने यदि बड़वानी में मांग की भी है तो वो मांग जायज़ है, क्योंकि उनको भी अपने ज़िले के लिए चाहिए। इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में जब देने की बात आई है तब उन्होंने इस बात को मांग की है, और ज़िले में ही मतलब सांसद जी के मत अनुसार ज़िले में ही कॉलेज खुलेगा, खरगोन जिले में ही खुलेगा, ये उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लोकसभा क्षेत्र में महेश्वर भी एक विधानसभा है। तो महाजन साहब, केंद्र के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है स्वास्थ्य हर्षवर्धन जी का, उसमें संसदीय क्षेत्र का उल्लेख है, ना कि डिस्ट्रिक्ट। ये उसके बाद की बात है ना, ये उसके बाद की बात है। पहले हर्षवर्धन जी ने जब कहा तब जब उस समय पार्टी का जो घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में ये बात का उल्लेख था कि हम हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। लेकिन जब ये क्राइसिस पैदा हुई तो और जो कोरोना ने जिस प्रकार से अटैक किया उसके बाद की जब स्थितियाँ बदली तो उस स्थितियों के बदलने के कारण आज जगह जगह और मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो जहाँ पर उपयुक्त साधन उपलब्ध होंगे, यानी ज़मीन अवेलेबल होगी या 300 बेड का हॉस्पिटल अवेलेबल होगा, डॉक्टर का स्टाफ अवेलेबल होगा, तो निश्चित रूप से वो कॉलेज वहीं पर खुलेगा। और क्योंकि खरगोन मुख्यालय है संसदीय क्षेत्र का भी है और खरगोन मुख्यालय खरगोन जिले का भी है, तो इसके कारण खरगोन में ही खुलेगा और खरगोन की जनता भी ये चाहती है। खरगोन के हम दोनों नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे हम भाजपा के हों, चाहे और कोई दल के हों, ये निश्चित रूप से ये सबका मन में ये बात स्वीकार होती है कि हम खरगोन में ही इस कॉलेज को लाएंगे और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। आप जो बोल रहे हैं महाजन साहब, आपकी बात वाजिब है और यही आम जनता की मांग भी है, लेकिन महेश्वर में एक संघर्ष समिति खड़ी हो गई है, खरगोन में एक संघर्ष समिति बन रही है, तो ये आम जन के बीच जो परस्पर एक द्वंद्व शुरू हो गया है, तो क्या जरूरी नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस के जो वर्तमान सत्ता पक्ष में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं वो एक मंच पर खड़े होकर एक बयान दें जिससे आम जनता जो है उसके बीच में जो भी सुगबुगाहट चल रही है वो दूर हो सके? इस बारे में मेरा ये कहना है कि खरगोन के विधायक रवि जोशी, झुमा सोलंकी भिकनगांव की विधायक, और हमारे केदार दाबर माननीय भगवानपुरा से जो हमारे विधायक, ये विधायक समेत मैं भी पिछली बार की क्राइसिस समिति में उपस्थित था और उसमें इस बात की चर्चा आई मेडिकल कॉलेज की बात, तो सभी लोगों ने, यानी तीनों विधायक सहित सभी लोगों ने इस बात को पुरजोर जोर दे करके कहा कि कलेक्टर महोदय भी एक पत्र लिखे, उस पत्र के अनुसार हम सब पूरे खरगोन जिले की आवश्यकता मेंशन करते हुए इस बात की मांग करें कि खरगोन में ही मेडिकल कॉलेज खुले, और इसके लिए उन्होंने वहां पर घोषणा की कि यदि ज़रूरत पड़ी तो हम पत्र भी लिख करके देने को तैयार है। यानी इसका मतलब यह है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस भी और भाजपा भी दोनों एक मत है कि खरगोन में। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि कांग्रेस एक मत है, विजयलक्ष्मी साधो जो है वो इस बारे में कोई प्रतिक्रिया देने को अभी तक सामने नहीं आई हैं, ना ही बड़वा विधायक ने इस संबंध में कोई किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है, ना ही आपके भिकनगांव विधायक ने कोई प्रतिक्रिया दी है, तभी तो कांग्रेस में तो स्पष्ट है ही नहीं कि छह विधायक एक पक्ष में खड़े हुए हैं।
नहीं, तीन विधायक के बाद में बोल रहा हूँ जो तीन विधायक वहाँ उपस्थित थे। लेकिन जिस क्षेत्र में ये पहले स्वीकृति की घोषणा हुई थी या नाम आया था मंडलेश्वर विधानसभा का, तो स्थानीय विधायक जो है वो भी कांग्रेस की हैं, वो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनकी तरफ से अभी मेडिकल कॉलेज को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि जिला मुख्यालय पर खोला जाना इसका उचित है। ये बात तो कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछूंगा, परशुराम जी से भी ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस तो फिलहाल में मेडिकल कॉलेज को लेके दो धड़ों में बटी नजर आ रही है। देखो, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि वो उस समय स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री थी, तो उन्होंने अपने जैसी स्वीकृति आई अपने बल पर अपने अपने क्षेत्र के लिए पैरवी कर ली। अब आज बदली हुई परिस्थितियां हैं और बदली हुई परिस्थिति में अगर खरगोन जिले में 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभा में 3 विधायक एक तरफा बोल रहे हैं और एक अकेली वो अगर महेश्वर के लिए बोल रही है, ना सचिन भाई ने कोई प्रतिक्रिया दी है और ना सचिन बिरला ने कोई प्रतिक्रिया दी है, तो अगर ये दो अगर चुप्पी साधे हैं और एक तरफ महेश्वर खींच रही है और 3 अगर खरगोन खींच रहे हैं, तो भारी तो खरगोन पड़ रहा है। तो ये अच्छा, खरगोन भारी पड़ रहा है और पत्र में भी हवाला है कि जिला मुख्यालय पर खोला जाए, तो फिर बच क्या जाता है। अब वो अकेली अगर बोल रही हैं और उनका क्षेत्र बोल रहा है, तो वो अकेली हैं और अकेले का क्षेत्र है, यहाँ 3-3 विधानसभा हैं, तो इतने लोग अगर पैरवी करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा पल्ला भारी है। कुल मिला के वहीं पे बात आ जाती है, मैं वही कहना चाह रहा था कि आम जनता के सामने अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेके वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है, क्या होगा, क्या होने जा रहा है और जनप्रतिनिधियों की इस बात को लेकर क्या एक राय है जो आम राय बन पा नहीं रही है। हम वही देख रहे हैं कि आज खरगोन जिला जो है, या खरगोन प्रॉपर जिला मुख्यालय ले, पिछले दिनों चर्चा में ये बात भी सामने आई कि खरगोन शहर की क्या पहचान, नवग्रह मंदिर के अलावा इस क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसको पहचाना जा सके। आप दोनों भी जमीनी नेता हैं, पूर्व में परशुराम जी आप 8 साल विधायक रहे हैं, बाबूलाल जी भी विधायक रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र को ऐसा कुछ भी औद्योगिक या शैक्षणिक या ऐसा किसी भी प्रकार का कोई संस्थान नहीं मिल पाया यहाँ पे जिससे रोजगार या एक पहचान बन पाती इस क्षेत्र की, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, अब के बार हम इस लड़ाई के लिए कटिबद्ध हैं पूरी तरह से और सभी पक्ष कटिबद्ध हैं, तो ये लड़ाई तो हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को लड़ते हुए हम मेडिकल कॉलेज खरगोन में लाएंगे, ये भरोसा दिलाते हैं, हम पब्लिक को भी दिलाते हैं और पब्लिक से एक आग्रह भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुद्दे को उठाएँ और हमारी लड़ाई में शरीक हों, शामिल हों। तो क्या इस संघर्ष समिति जो बनने जा रही है खरगोन में, उसकी अगुवाई के लिए आप तैयार हैं परशुराम जी? बिल्कुल तैयार है। बाबूलाल जी आप भी तैयार? बिल्कुल बिल्कुल तैयार। मतलब एक संयुक्त रूप से भाजपा और कांग्रेस मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर एक जन आंदोलन छेड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी आप दोनों मिलकर अगुवाई करेंगे। आज ये खरगोन शहर की जनता से आप संकल्प करके जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि संकल्प को आप दोहराएं परशुराम जी। बिल्कुल, संकल्प पूरी तरह से हम पूरी तरह से तैयार हैं और इतनी तैयार हैं कि चाहे जैसी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, चाहे दिल्ली तक जाना पड़े लड़ाई लड़ने के लिए, तो दिल्ली तक जाएंगे और पूरे लोगों को लेकर जाएंगे। जरा कोरोना खुल जाए उसके बाद देखो इस लड़ाई को, एक मुहिम बनेगी ये। देखिए बाबूलाल जी, आज की तारीख में हम जिस प्रकार से जूझ रहे हैं कोरोना को लेकर के, खंडवा में मेडिकल कॉलेज है, खंडवा को ज़्यादा सुविधाएँ मिली और ये जो प्रक्रिया चल रही है आप खुद इस बारे में जानते हैं कि तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे सुभाष यादव, उनके समय से 2002 से एक विचार बनते आए मेडिकल कॉलेज को लेकर, उसके लिए आगे कार्रवाई भी की गई और भाजपा के जो सांसद थे फग्गन सिंह कुलस्ते जी और संघ की भी इसमें बताया जाता है कि एक अहम भूमिका रही मेडिकल कॉलेज को लेकर के, लेकिन अभी तक 2002 के बाद से आज तक ये स्वप्न साकार नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हम देखें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही नज़र आ रही है। पिछले 15 साल से तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, फिर आखिर स्थानीय जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इस चीज़ को लेकर के जोर क्यों नहीं लगाया? देखो ऐसा है, 2000 यदि हम काउंटिंग करें सोचें तो 55 साल तक तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सबसे पहले इस बात को 2017 में दोहराया कि हम प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है और उसको हम बनाएंगे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वास्तव में ये जो बात चली है ये 2017 से ही शुरू हुई है, इसको 2002 से मानना उचित नहीं है, क्योंकि हम पुराने इतिहास को देखें
एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी मतलब प्रतिक्रिया भी होती है कि जो नेता जिस क्षेत्र का होता है ये उसका स्वाभाविक उस वो है वो अगुवाई करता है अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करता है और करना भी चाहिए क्योंकि कोई सा भी विधानसभा कोई सा भी क्षेत्र में यदि कोई प्रगति होती है तो उस विधानसभा विधायक के नाम से जानी जाती है। तो यदि मान लो कि विजयलक्ष्मी साधु ने अपने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने यदि ये प्रयास किया है तो ये प्रयास उनका अपना प्रयास है निश्चित रूप से। हम पुराने इतिहास में थोड़ा देखें तो भाई जब सुभाष यादव हमारे यहाँ के सांसद थे या हमारे यहाँ के मंत्री थे उन्होंने अपने कार्यकाल में शुगर कारखाना अपने क्षेत्र में ले गए बड़े बड़े कॉलेज वो अपने क्षेत्र में ले गए क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें मैं उनका दोष नहीं मानता ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर आदमी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को समृद्ध बनाने में लगा रहता है और लगा भी रहना चाहिए। लेकिन जब बात जिला स्तर की कोई आए यदि कोई बात संसदीय स्तर की कोई आए तो उसमें जो जिसका जो अधिकार है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए इस अधिकार की लड़ाई हम पूरे पुरजोर ताकत से लड़ेंगे। ये हमारा अधिकार है कि खरगोन में ही मेडिकल कॉलेज खुले खरगोन की जनता की भी मांग है और हमारे पास लगा हुआ आदिवासी तमाम क्षेत्र वो सब की एकमात्र एक इच्छा और मैंने इसीलिए बताया आपको भी झुमा सोलंकी जो भिकनगांव विधानसभा को प्रतिनिधित्व करती है हमारे केदार भाई जो भगवानपुरा विधानसभा को करते हैं और खरगोन की विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं रवि भाई जोशी इन्होंने सबने एक मुश्त होकर के कहा कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस निश्चित रूप से हम खरगोन में ही मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। इसलिए हम सब लोग लगेंगे इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने सही कहा कि एक जनप्रतिनिधि की या जो चुने हुए प्रतिनिधि की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है उसके अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के। लेकिन एक समग्र विकास को हम तभी तय कर पाएंगे जब हम अपने अपने क्षेत्रवाद को भूल करके केंद्र के संबंध में या केंद्रीकृत होकर के हम किसी योजना पर विचार करेंगे और एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे। ये चर्चा अभी यूं ही जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी। HW24 न्यूज मध्य प्रदेश के कार्यक्रम नेताजी हाजिर हो में एक बार सभी दर्शकों का हम फिर से स्वागत करते हैं। अभी हम बहस कर रहे हैं खरगोन मेडिकल कॉलेज के सच को जानने के लिए और हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबूलाल महाजन जी, हमारे बीच उपस्थित हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक परसराम डंडीर जी और दोनों ही जमीनी नेता हैं। वर्षों से इन्होंने खरगोन जिले की परिस्थितियों को भांपा है और उसके अनुरूप इन लोगों ने क्षेत्र में कार्य भी किया है। हम उन्हीं अनुभवों के आधार पर आज उनसे जानना चाह रहे हैं कि जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना इस जिले के लिए कितनी सहयोगात्मक होगी। इसी संबंध में मैं परशुराम जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा अभी महाजन जी ने बताया कि जनप्रतिनिधि सबसे पहले अपने क्षेत्र में कोशिश करता है कि अपने लोगों के लिए अच्छी योजना ले जाएं, उन्हें स्थापित करें, लेकिन जब हम समग्र ज़िले की बात करते हैं तो सभी विधायक वो किसी भी पार्टी के हों अगर एक कोई बड़ी योजना आती है उसमें एक बड़ा सहयोग लगता है, ज़्यादा लोगों की सहभागिता लगती है, तो क्या उस स्थिति में मेडिकल कॉलेज का जो मामला है इसमें सभी पार्टी के लोगों को इकट्ठा होकर के कार्य करना चाहिए, यहाँ पर स्वार्थ परकता जो है उसको त्याग देना चाहिए? आपने अभी जो देखा हम दो लोग बैठे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, दोनों एक मत है ना इस बात के लिए? जी ये तो आपने बताया एक हमारे, मत है, लेकिन हमारे, जो वर्तमान जो सत्ता पक्ष बैठा है और विपक्ष बैठा है जो विधायक और सांसद हैं वो एक मंच पे आकर के कोई बयान देने को तैयार अभी तक नहीं है। अब ये तो आप उन्हीं से पूछें। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बाबूलाल जी ने बताया कि केदार डाबर, रवि जोशी और झुमा सोलंकी और इनके साथ मीटिंग में कलेक्टर ऑफिस में बैठे थे और उन्होंने एक मत से ये कहा कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। तो तीन विधायक जब एक मत हो गए हैं, एक पूर्व विधायक एक मत हो गए हैं,
सांसद महोदय ने कह ही दिया कि खरगोन का जो मेडिकल कॉलेज है वो हम बड़वानी नहीं ले जा रहे हैं, आपने भी बोल दिया, खोल उन्होंने भी बोल दिया है स्पष्ट। अब रहा सवाल कि महेश्वर में अगर खुल रहा है तो ये केंद्र सरकार की योजना है, सांसद महोदय की सबसे पहले जवाबदारी बनती है कि वो जिला मुख्यालय पर लाने की उसकी बात करें, हम तो कर ही रहे हैं। अब सांसद महोदय के भी अब काम बनता है कि वो जिला मुख्यालय की बात करें, ये हमारा भी मत है और हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही। नहीं, मैंने आपसे इसी आधार पर पूछा क्योंकि आप अनुभवी हैं और आपने ऐसी कई योजनाएं खरगोन जिले में आई हैं जिसको लेकर के एक समय ऐसा था कि कांग्रेस का शासन था लेकिन तब भी जो भाजपा के यहाँ पे विधायक रहते थे उनकी राय ली जाती थी और मुझे खुद पता है कि कई कार्यक्रमों में हमने उनको साथ में एक मंचों पर भी देखा है। तो महाजन जी, क्यों ना इस मामले में भी दोनों पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही मंच पर खड़े होकर एक बयान दें जिससे क्षेत्र की जनता को भी संतुष्टि मिले और जो चर्चाएं चल रही हैं, जो विरोधाभासी एक सोच बन रही है जिले में लोगों में, वो दूर हो सके। मेरा ये कहना है इस मामले में कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो खरगोन क्षेत्र के हैं, भीतनगांव बड़वा क्षेत्र के जितने भी हैं और जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये सब एक मुश्त होकर के ही इस बात को आगे उठा रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज खरगोन में ही खुले, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं, अनुकूल व्यवस्थाएं सिर्फ खरगोन में ही उपलब्ध है। आप सब जानते हैं एक बात जो कोरोना के सामने अपने सामने आई कि खंडवा में मेडिकल कॉलेज होने के कारण और खरगोन में मेडिकल कॉलेज नहीं होने के कारण, क्योंकि मैं क्राइसिस की समिति में होने पर मैंने जो महसूस किया कि खंडवा में 400 बेड का मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है तो वहाँ पर कुछ अधिक सुविधाएं उपलब्ध हुई, इंजेक्शन दवाइयाँ दवाइयाँ और ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं वहाँ ज़्यादा बेटर हो पाई और हमको उसका खामियाना भुगतना पड़ा कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसके कारण हमको वो सुविधाएं, वो इंजेक्शन उतने जितने हमको जिस तादाद में मिलना चाहिए थे उस तादाद में नहीं मिले, इसके कारण हम वास्तव में बहुत पीड़ित हैं। तो इसलिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जो पीड़ित होता है वो ताकत के साथ खड़ा होता है, तो हम सब ताकत के साथ इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि भविष्य में फिर ऐसा कोई कांड हो जिसके अंदर खरगोन पीछे रह जाए और दूसरे जिले आगे बढ़ जाए, तो उस स्थिति को हम निपटने के लिए सब मिलकर ये सोचते हैं कि खरगोन में ही कॉलेज खोलना चाहिए। देखिए, मैं बार बार आपसे मेडिकल कॉलेज को लेकर बार बार इसीलिए मैं आपका विचार जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जिला न्यायालय की जहाँ तक बात करें, बार बार ये सवाल उठे हम जिला न्यायालय खरगोन जिले मुख्यालय पे लाएंगे, खरगोन जिला मुख्यालय पे कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी, खरगोन जिला मुख्यालय पर इस प्रकार की कोई औद्योगिक इकाई डाली जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्राप्त हो, स्थानीय लोग बेरोज़गार जो हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार मिल सके। लेकिन ये चीज़ें बार बार सुन सुन के एक तरह से इस क्षेत्र की जनता के कान पक गए, ये चीज़ें नहीं आ सकी। स्थानीय जिले का कृषि मंत्री होने के बावजूद भी कृषि महाविद्यालय की कोई सुगुगाहट तक सुनने में नहीं आई। जिला मुख्यालय से ही श्रम विभाग का कार्य रहा मंत्री बालकृष्ण पाटीदार जी के पास, लेकिन यहाँ के स्थानीय स्तर पर श्रम को लेकर के कुछ भी ऐसी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई जिससे स्थानीय स्तर पर कुछ मिल सके। इसीलिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर भी स्थानीय जो जनता है उसमें ये भ्रम है कि कहीं ये वादे इरादे जो राजनीतिक हैं, ये वादे इरादे वादों में ही दब के न रह जाएं, क्योंकि कोरोना के जाने के बाद हो सकता है कि माहौल शांत हो और मेडिकल कॉलेज का मुद्दा एक बार फिर से दफन हो जाए। बाबूलाल जी, खरगोन मेडिकल कॉलेज का मुद्दा दबेगा नहीं, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम खरगोन मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं, पूर्व में भी मैंने बताया जिला कोर्ट और कृषि महाविद्यालय से बहुत सारे यहाँ तक प्रश्न है। जिला कोर्ट के लिए मैंने अपने जिला अध्यक्ष रहते हुए और मेरे विधायक रहते हुए मैंने काफ़ी प्रयत्न किए, यहाँ से वकीलों की टीम भी ले गया और ये बिल्कुल किनारे पर ला के खड़ा किया और ये शेड जो बनाया अभी बीच में वो शेड इसी बात को लेके बनाया था कि यहाँ पर जिला कार्यालय आएगा, जिला कोर्ट आएगी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ व्यक्तिगत लोगों के, सरकार बदल गई, जो कुछ होना था वो होते होते रुक गया, फिर उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं कि वापस खरगोन में जिला कोर्ट आए। प्रशांत जी, आप भी कृषि से जुड़े रहे हैं और कृषक हैं स्वयं, आप स्वयं खेत पर जा करके वो कृषि कार्य करते हैं, आप मिट्टी में रचे बसे हैं,
कृषि महाविद्यालय काफ़ी समय से आप भी इस चीज़ को लेकर आपके कार्यकाल से ही चर्चा चल रही है, लेकिन आज तक वो सपना साकार नहीं हो पाया। इस स्थिति में मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है ये कुछ कमज़ोर नज़र आता है। नहीं नहीं, आपको भले से कमज़ोर नज़र आता हो, और दरअसल में आप अगर ये इसको कमज़ोर नज़र आता है ये ऐसा नहीं कहेंगे तो लोगों में जोश और उत्साह भी नहीं आएगा। ये भी मैं समझ रहा हूँ इस बात को, परंतु सवाल आता है कि आज बोलने की स्थिति में लोग नहीं हैं, कोरोना होने के कारण बोलने की स्थिति में नहीं है, पर जिस दिन ये सब हटेगा इतनी ताकत से और पुरजोर तरीके से लोग उठकर बाहर आएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर ये इतना छा गया है, इतना छा गया है। मुझे याद पड़ता है कि मैं सवेरे से शाम तक केवल मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर 250 से 200 रोज वो व्हाट्सएप उस पर देखता हूँ, तो निश्चित तौर पर ये जन जन तक पहुँच चुका है। अब जन जन तक केवल ये कोरोना खुल जाए तो हम सब लोगों को पहुँचना है, और जब ये मुद्दा उठेगा तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा होगा, और वो आंदोलन निश्चित रूप से सबको मजबूर कर देगा कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खुले। बाबूलाल जी, आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है खरगोन ज़िले में भी, कुछ लगभग हम 15-20 दिन पहले की बात करें तो कोरोना की काफ़ी स्थिति खराब हो गई थी। वर्तमान में तो यहाँ पे 100-125 के करीब पॉजिटिव केस आ रहे हैं, लेकिन 200 के ऊपर ही आंकड़ा चला गया था। उस दौरान ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और अन्य जो बेड वगैरह हैं इनकी कमियां यहाँ ज़िले में देखी गई और उसको लेके प्रयास भी किए गए, लेकिन कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, प्रयास काफ़ी धीमे रहे। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि प्रयास धीमे रहे। वास्तव में ये जो क्राइसिस पैदा हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ पैदा हुआ, और उसके कारण क्या हुआ कि इंदौर जैसी सिटी में भी बेड अवेलेबल नहीं थे, इंदौर जैसी सिटी में भी इंजेक्शन अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन की वहाँ भी मारामारी थी। लेकिन मैं अपने खरगोन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रयत्न करके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लाने के लिए 2 तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई और लगातार अपने यहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति करते रहे, और जनता ने भी सहयोग किया और वो ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर वाली मशीन लोगों ने काफ़ी ला करके दी, जिसके कारण खरगोन में ऑक्सीजन की समस्या भी समाप्त हुई। हाँ प्रधान जी, वर्तमान में जो कोरोना को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं ज़िले में, आप कहाँ तक उनको उचित मानते हैं? कुछ कमियाँ हैं उनमें और बढ़ोतरी होना चाहिए? जो गति बहुत तेज थी वो तो कम हुई है, आज मेरा ख्याल है कि कुछ और कम केस आए हैं, परंतु मैं ये बात कहूँगा कि जितनी सुविधा चाहिए थी वो सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई। जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा कि खंडवा में मेडिकल कॉलेज होने से खंडवा को ज़्यादा सुविधा मिल पाई, हमें सुविधा कम मिल पाई है, ये निश्चित। मेरे कई ऐसे मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किस अस्पताल में थे ये भी नहीं बोलूँगा, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई, ये मैंने आँखों से देखा है। खरगोन में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जिला प्रशासन ने हालांकि पहल बहुत की, कोशिश बहुत की, पर जिला प्रशासन ने इसको दबाने की कोशिश भी बहुत की है। कुछ दिन पहले एक बात सुनने में आई कि पॉजिटिव केसों की जांच मत करो, कम जांच करो, फिर कभी सुनने में आया कि जो डेथ हो रही है उनको किसी को निमोनिया में और किसी को और दूसरे केस में बताओ, ये भी हमने सुना। जो कुछ भी है गुजर गया, पर हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ें। मैं सबसे ज़्यादा बधाई तो उन लोगों को देना चाहूँगा जो लोग गरीबों तक राशन पहुँचा रहे हैं, भोजन पहुँचा रहे हैं। आज मैं ये स्थिति भी कहने को हूँ कि कहने को तो ये कह दिया गया कि 3 महीने का अनाज जो है फोकट में दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा गरीबों को, कुछ लोगों को मिल भी रहा है, पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं बाबूलाल जी जो आप बारीकी से देखोगे तो 3 महीने का अनाज कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये सब सोचने वाली विषय है, ये प्रशासन ने देखना चाहिए, सत्ता पक्ष ने देखना चाहिए, और ये जब तक ज़मीनी लोग नहीं देखेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। निसंदेह आपने जो बताया कि कोरोना काल में जो भी मौतें हुई हैं बड़ी ही दुखद, बड़ी ही दर्दनाक रहा, और हम अपने चैनल की ओर से, आप हमारे मेहमानों की ओर से, सभी की ओर से उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनों को खोया है,
और इसीलिए हम चाहते हैं कि हर जिला मुख्यालय पर हर अस्पताल में वो सुविधाएं हों ताकि आने वाले किसी भी त्रासदी किसी भी महामारी से निपटने के लिए हम पूरी तरह सजग हों, ना ही हमें अपनों को खोना पड़े और ना ही ये दर्दनाक हादसे ये मंजर हमें फिर से देखने के लिए मजबूर होना पड़े। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक बाबूलाल जी महाजन, पूर्व विधायक परसराम जी डंडीर का हम धन्यवाद देते हैं। और आज उन्होंने मेडिकल कॉलेज को लेकर स्पष्ट किया कि वो दोनों भाजपा और कांग्रेस के पूर्व विधायक होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज की खरगोन जिले में जिला मुख्यालय पर स्थापना को लेकर एकजुट हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कभी भी जन आंदोलन का अवसर आएगा वो दोनों खरगोन शहर की जनता के अगुवाई में इस जन आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और निस्संदेह इस आंदोलन को खड़ा करने के बजाय महेश्वर के जो स्थानीय विधायक हैं या स्थानीय लोग हैं उनको भी विश्वास में लिया जाए ताकि ये एक मत होकर के निर्णय लिया जाए कि खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद देते हैं। आगे फिर इसी मुद्दे पर हम कुछ नई शख्सियतों के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद। नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी।